हमारे साथ अदालत में मौजूद हैं पाखी सावन जी, और मुझे आज इन पर इल्जाम लगाने हैं। लगाइए लगाइए लगाइए, हाथ नहीं इल्जाम लगाइए, संस्कारी लड़का। ठीक है, आप पर यह इल्जाम है कि आज टेलीविजन घर घर में महिलाओं के मनोरंजन का साधन बन चुका है, लेकिन आप टेलीविजन पे मनोरंजन से ज्यादा उलझने देती हैं, ऐसा क्यों? मैंने क्या प्रॉमिस किया? मैंने कोई प्रॉमिस किया था कि मैं महिलाओं का मनोरंजन करूंगी? ये महिलाओं का मनोरंजन करती हूं, मेरी टारगेट ऑडियंस से मेल, मैं मेल के लिए बनी हूं। आप पर अगला आरोप ये है कि आप फिल्मों में अंग प्रदर्शन ज्यादा करती हैं, अभिनय कम करती हैं, क्यों? जीसस, कैसे सवाल कर रही है? नो वे, दिस इज रॉन्ग। हाँ, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे पास दिखाने वाली बॉडी है, जिसके पास बॉडी नहीं होती वो क्या दिखाए। और आपको पता है, अंगों के प्रदर्शन द्वारा व्यक्त की जाने वाली क्रिया को ही अभिनय कहते हैं। समझ में आए? ये बताओ हिंदी में। खैर, आप पर अगला आरोप यह है कि आपने हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाया। आपने स्वयंवर तो रचा लेकिन शादी नहीं की, क्यों क्यों क्यों? आई एक्सेप्ट इट। बाकी किसी डरती नहीं, मैं किसी डरती नहीं, पूरी मीडिया के सामने, मैं सबके सामने भरी अदालत में स्वीकार करती हूँ, हाँ मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया। मिलाउट, आप ही बताइए, एक शरीफ आदमी को मैंने बर्बाद होने से अगर बचा लिया, इसने क्या गलत किया? आई एम आस्किंग यू।